आपका स्वागत है मेरे चैनल ही एंड शी किचन में। और आपको लग रहा होगा कोई अच्छी सी टेस्टी मिठाई है या कोई स्वीट डिश है, लेकिन ये कोई स्वीट डिश नहीं है, ये है बचे हुए चावल से बनाया हुआ कर्ड राइस। जी हाँ, दिखने में तो लग रहा है बहुत ही यमी और टेस्टी, अगर आप मेहमानों के सामने परोसेंगे तो सोचेंगे कि क्या बना है, जबकि ये बना है सिर्फ बचे हुए चावलों से। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी कर्ड राइस, जो आपको जरूर से पसंद आएगी और बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी भी है। आइए शुरू करते हैं फटाफट से बनाना। तो कर्ड राइस बनाने के लिए हमने लिए हैं राइस, तो ये है हमारे पास बचे हुए राइस, ये है जीरा राइस। आप कोई से भी राइस ले सकते हैं, प्लेन राइस या फिर जीरा राइस हो या फिर नमकीन राइस भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको लेंगे एक बोल में, तो ये सारे राइस हम डाल लेंगे एक मिक्सिंग बोल में। और अब हम लेंगे बाकी की चीजें, तो उसमें हमने लिया है कटा हुआ प्याज, तो ये ऑप्शनल है, ये मैंने लिए हैं दो प्याज, इनको बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही हम लेंगे कुछ मूंगफली दाने, थोड़े से मैंने लिए हैं बादाम, थोड़े से काजू, किशमिश, ये सब ऑप्शनल है। इससे जो हमारी राइस है उनको एक बहुत ही अच्छी रिचनेस मिलेगी, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। साथ ही हमने लिए थोड़ी सी हरी मिर्च और ये है कड़ी पत्ता। और साथ ही हम लेंगे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि कर्ड। तो सबसे पहले हम डालेंगे कर्ड, तो ये मैं ले रही हूँ एक बोल में फ्रेश और ठंडा ठंडा और ताजा ताजा कर्ड। तो इतने राइस के लिए मुझे एक बड़ा कटोरा कर्ड काफी है, तो इसको मैं पहले थोड़ा सा बीट कर लेती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है और अब इसको मैं डाल देती हूँ हमारे राइस में और इसको हम थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा जो कर्ड है वो मिक्स हो गया है। तो आप अपने हिसाब से कर्ड को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे बाकी की चीजें, तो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा सबसे पहले एक फ्राइंग पैन। तो ये हमने ले लिया है एक फ्राइंग पैन और उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे मूंगफली के दाने। और इनको हम धीमी आंच पर थोड़ा सा सेक लेंगे, तो जो मूंगफलियां हैं वो अच्छे से भुन गई हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं बादाम, इनको भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। और बादाम के बाद अब डाल रहे हैं हम काजू, इनको भी। तो सब ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग सेकने का रीजन ये है क्योंकि सबका जो भुनने का टाइम है वो अलग अलग है। काजू बहुत जल्दी भुन जाते हैं तो बादाम को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं और लास्ट में हम डाल देते हैं किशमिश। और इनको तो सिर्फ हमें 2 सेकंड तक ही रखना है और बस ये हो गई तैयार। और अब इस बचे हुए तेल में हम डाल देते हैं थोड़ी सी राई और साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी जाएगी इसमें हींग। और अब इसमें हम डाल देते हैं कड़ी पत्ता, तो ये गए ड्राई कड़ी पत्ता, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी ग्रीन चिली। तो ये हो गया है हमारा तड़का तैयार और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये गया हमारा तड़का हमारे कर्ड राइस में। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक,
हालांकि जो राइस थे उसमें पहले से थोड़ा नमक था, तो मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा डाल सकते हैं। और अब इसको हम कर लेते हैं एक बार मिक्स। तो लीजिए, हमने जो राइस थे उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है, कर्ड हो गया है और हमारा तड़का भी इसमें चला गया है। तो अब करते हैं हम इसको सर्व। तो सर्व करने से पहले हम इसमें डाल देते हैं ये जो हमने मूंगफलियां सेकी थी, और साथ इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, और ये गए हमारे किशमिश, थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम, और थोड़े से हम रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। इसको एक बार फिर से कर देते हैं मिक्स, और बस तैयार है हमारे कर्ड राइस। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं और आपके बच्चों को भी जरूर से पसंद आएंगे, तो इन्हें आप जरूर से बनाइएगा जब भी आपके पास राइस बच जाए, और नहीं भी बचे तो आप बचा लीजिए, थोड़े से एक्स्ट्रा बनाइए। और अब हम करते हैं इसको सर्व। तो सर्व करने के लिए हम लेंगे एक बोल और उसमें हम डालेंगे हमारे कर्ड राइस, और आप इसको ऊपर से गार्निश कर दीजिए ड्राई फ्रूट्स के साथ, और अगर आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे कि अनार या फिर मैंगो। और अब बस तैयार है हमारे कर्ड राइस खाने के लिए, और ये ऊपर से गए हैं कुछ बादाम, कुछ काजू, और बस देखने में ही लग रही ना कितनी रिच, और जैसे कि बहुत ही कोई अच्छी सी हमने रेसिपी बनाई है, जबकि हमें इसमें बनाने में लगे हैं सिर्फ 5 से 7 मिनट, और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें कर्ड है, ड्राई फ्रूट्स हैं और चावल है, तो बच्चों के लिए काफ़ी एनर्जी वाला खाना है ये। तो जब भी आपके पास चावल बचे ये ज़रूर से बनाइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।